येस गुड मॉर्निंग एवरी वन वेलकम यू टू ऑल चलिए सेशन को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर वन लाइनर सीरीज पढ़ने वाले हैं किसकी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की इससे पहले पार्ट वन आपका कंप्लीट हो चुका है यदि वो पार्ट आपने मिस कर दिया हो आप प्ले लिस्ट में जाकर उस पार्ट को पूरा कंप्लीट कर सकते उसमें ही हमने ऐसे कुछ वन लाइनर क्वेश्चन को कम्प्लीट किया था फर्स्टली यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरीके से वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें और यदि आप सी डी पी की कम्प्लीट थ्योरी वाइज क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं पर्टिकुलर एक एक चैप्टर को हर एक पॉइंट को डीप में अच्छे से समझना चाहते हैं तो इसके थ्योरी नोट्स प्लस क्वेश्चन सीरीज अवेलेबल है उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं एट डबल सेवन ज़ीरो एट ज़ीरो थ्री एट फोर जीरो इस पर आप व्हाट्सअप करके सारी डिटेल प्राप्त कर सकते हैं यदि आप ई वी एस के मॉक टेस्ट के साथ कम्प्लीट नोट्स बाय करना चाहते हैं साथ ही यदि आप क्वेश्चन सीरीज भी बाय करना चाहते हैं सेम व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं ई वी एस नोट्स करके आपको सारी डिटेल दे दी पेडागोजी के नोट्स जो है आपके लॉन्च हो चुके हैं ओनली जस्ट रुपीज नाइनटी नाइन में आप कंप्लीट कोर्स को यहाँ पर बाय कर सकते हो उसमें आपका पूरा क्वेश्चन सीरीज भी रहेगा साथ में नोट्स भी रहेगा ओके okay. चलिए सेशन को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं आज के सेशन में क्या क्या चीजें होने वाली है आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर अलग अलग चीजें पढ़ेंगे कुछ बुक्स के बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे कुछ डेफिनेशंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे स्मृति विस्मृति वाला जो टॉपिक हमेशा डाउटफुल रहता है उसके बारे में कुछ वन लाइनर सीरीज के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे इस तरीके से ये सारी चीजें और कुछ टेस्ट के बारे में लाइक अचीवमेंट टेस्ट होता उपलब्धि परीक्षण निष्पादन परीक्षण उनके बारे में कुछ वन लाइनर पॉइंट के थ्रू हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे राइट सेशन को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट सबसे पहला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर है एंड इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी जो है नामक पुस्तक में मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1908 में किसके द्वारा दिया गया था मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया नॉर्मल यदि इस तरीके से भी पूछा जाए या फिर ऐसे करके पूछ लिया जाए कि एन इंट्रोडक्शन टू तो सोशल साइकोलॉजी नामक पुस्तक में मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत जो कि उन्नीस में दिया था देने वाले कौन थे मैगड्यूगल थे ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि कब दिया था नाइनटीन में दिया था किसने दिया था मैकड्यूगल ने दिया था क्या सिद्धांत दिया था मैगड्यूगल ने

वाद विवाद और समस्या समाधान होता है तर्क वितर्क की प्रक्रिया यदि बच्चा चिंतन शक्ति का प्रयोग कर रहा है अगर हम लोग बच्चों को ऐसे टास्क दे रहे हैं जहाँ पर बच्चा अपनी चिंतन शक्ति का प्रयोग कर सके तो उसमें तर्क वितर्क करने की क्षमता बढ़ेगी वाद विवाद करने की क्षमता बढ़ेगी और समस्या समाधान करने की क्षमता बच्चे के अंदर विकसित होगी राइट right? यही सारी चीज़ें होगी अगले पॉइंट की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट आपकी स्क्रीन पर है बालक का समाज सामाजिकरण किससे निर्धारित होता है हम लोग बच्चे का सोशलाइजेशन करना चाहते हैं तो हम लोग किस विधि का प्रयोग कर सकते हैं हम लोग समाज मीति विधि यानी कि सोशियोमेट्रिक मेथड जो होती है सोशियोमेट्रिक मेथड का यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं अब ये जो सोशियोमेट्रिक मेथड है ये हमें क्या बताती है मान लो कि मेरा सोशलाइजेशन हो रहा है और आप लोग चाहते हैं कि आप पता करो कि मेरा सोशलाइजेशन अच्छे से हुआ या नहीं हुआ ऐसी सिचुएशन में आप मेरे सोशल कनेक्शन चेक करोगे सोशल कनेक्शन मान लो मेरे आसपास जो लोग रहते हैं आप उनसे मेरे बारे में पूछोगे कि इनका व्यवहार कैसा है तो मतलब आसपास के लोग समाज वगैरह से और आप कुछ भी चीज़ें चेक करते हो मेरा प्रोफाइल वगैरह चेक कर सकते हो तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा इनका सोशलाइजेशन हुआ है या नहीं हुआ है समाज में इनकी स्थिति क्या है तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है सारी चीज़ें सोशियोमेट्रिक मेथड के अंदर कंसीडर की जाती है राइट नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं मूल प्रवृत्तियों में जिसका वर्गीकरण मौलिक और सर्व सामान्य है वह देने वाले कौन है मैकड्यूगल है मूल प्रवृत्तियों के बारे में अभी फर्स्ट पॉइंट में हमने पढ़ा किसने दिया है मैकड्यूगल ने दिया है अगला पॉइंट है अपनी स्वाभाविक त्रुटियों के कारण वैज्ञानिक विधि के रूप में निरीक्षण विधि अविश्वसनीय है यह कथन किसने कहा है hmm. देखो पॉइंट क्या है परिभाषा क्या है अपनी स्वाभाविक त्रुटियों के कारण वैज्ञानिक विधि के रूप में निरीक्षण की बात हम लोग करते हैं निरीक्षण विधि के थ्रू हम लोग जज कर लेते हैं तो ये विधि यहाँ पर क्या कहलाती है ये विधि ये चीजें जो है काफी ज्यादा अविश्वसनीय है अनबिलीवेबल है तो इस कथन को या फिर इस स्टेटमेंट को किसके द्वारा कहा गया इस स्टेटमेंट को यहाँ पर कहा गया डगलस एंड हॉलैंड के द्वारा राइट तो समझ में आया क्या चीजें यहाँ पर बताई गई है ये परिभाषा है पूरी आपकी है, कि अपनी स्वाभाविक त्रुटियों के कारण वैज्ञानिक विधि के रूप में निरीक्षण विधि अविश्वसनीय होती है कथन कहने वाले कौन है डगलस एंड हॉलैंड है राइट ये ये जो परिभाषा है डगलस एंड होलैंड की ये सारी आपके आनुवंशिकता वातावरण वाले चैप्टर में आती है अगली बात हम लोग करेंगे पूर्व समय में सीखी हुई बातों को याद रखना ही स्मृति कहलाता है यह कथन किसने कहा है आपने अपने माइंड में पुरानी चीज़ों को याद रखा हुआ है वो ही आपकी क्या है स्मृति है क्योंकि देखो यहाँ पर क्या होगा जब भी आप किसी भी चीज़ को देख रहे होते हो तो वो क्या होती है सबसे पहले आपकी जो सेंसरी मेमोरी है संवेदी स्मृति में जाती है ठीक है संवेदी स्मृति से आपके एस टी एम यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी यानी कि लघुकालीन स्मृति में जाती है जैसे ही लघुकालीन स्मृति में चाहती है फिर आप चाहते हैं कि आप उसे लंबे समय तक याद रखें तो लंबे समय तक याद रखने के लिए आप उसे ट्रांसफर कर देते हैं अपने एल टी एम के अंदर यानी कि अपनी दीर्घकालीन स्मृति के अंदर ठीक है तो यहां पर आपसे पूछा गया कि पूर्व समय में सीखी हुई बातों को याद रखना आपकी स्मृति कहलाता है मेमोरी कहलाता है यह कथन किसके द्वारा दिया गया यह कथन दिया गया वुडवर्थ के द्वारा तो आपको यह नाम याद रखना है कि वुडवर्थ ने यह कथन यहाँ पर कहा था ठीक है चलिए आगे एक परिभाषा और इसी तरीके से दी हुई है चलो उसको आगे हम लोग डिस्कस कर लेंगे परिभाषा के साथ ही पूरा डिस्कस कर लेंगे क्योंकि स्मृति से रिलेटेड बहुत सारी परिभाषाएं आपसे पूछी जाती है हम लोग परिभाषा नंबर सेवन पर बढ़ते हैं यह कथन किसने दिया गया है कि स्मृति से तात्पर्य अतीत की घटनाओं की कल्पना करना है और इस तथ्य को पहचानना है कि यह भी अतीत के अनुभव ही हैं क्या कथन क्या स्टेटमेंट बोला गया है कि स्मृति से तात्पर्य अतीत की घटनाओं की कल्पना करना अतीत के बारे में हम लोग यहाँ पर अतीत में जितनी भी चीजें हुई है हम उनकी यदि कल्पना कर रहे हैं या फिर उसके बारे में सोच भी रहे हैं पुरानी चीज़ों के बारे में और इस तथ्य को पहचानना यह भी अतीत के अनुभव है यह कथन देने वाले कौन थे स्मृति को रिलेटेड मैकड्यूगल थे अभी हमने किसका पढ़ा अभी हमने पढ़ा वुडवर्थ का ठीक है और अभी हमने पढ़ा है मैकड्यूगल का तो ध्यान रखते हुए चलेंगे बहुत सारी परिभाषाएं पूछी जाती है विस्मृति को कम करने के उपाय क्या है विस्मृति क्या होती है जब हम चीज़ों को भूल जाते हैं तो हम चाहते हैं कि हम उन चीज़ों को ना भूलें वो चीजें हमें याद रहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं पुनरावृत्ति कर सकते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं रिपीटेशन कर सकते हैं तो आंसर आपका क्या हो जाएगा पाठ की पुनरावृत्ति करना विस्मृति को कम करने का एक उपाय यहाँ पर हो सकता है ऐसे बहुत सारे उपाय हो सकते हैं कि चीज़ों को आप क्या करें छोटे छोटे खंडों में बांट कर पढ़ें और समय समय पर उनको रिपीट करते रहे

चलिए अगला पॉइंट हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं पॉइंट नंबर टेन सीखी हुई बात को स्मरण रखने व पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मृति कहते हैं यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है सीखी हुई बात को हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं स्मरण कर रहे हैं मतलब कि याद कर रहे हैं और फिर क्या कर रहे हैं हम लोग वापस से उसको यदि हम लोग भूल जाते हैं और अगर हम लोग पुनः स्मरण नहीं कर पाए तो हम लोग क्या करेंगे उन चीज़ों को भूल जाएंगे तो वो आपके यहाँ पर क्या कहलाएगी विस्मृति कहलाएगी है ना तो ये चीजें क्या होती है ये कथन जो है किसके द्वारा कहा गया है तो ये कथन हमारा यहाँ पर कहा गया है मन के द्वारा ठीक है तो ये परिभाषा गई अगेन हमारी स्मृति से रिलेटेड Okay. तो ये तीन परिभाषाएं आपको ध्यान रखनी है सबसे पहली परिभाषा एक बार रिवाइज करते हुए चलते बहुत इंपॉर्टेंट है पूर्व समय में सीखी हुई बातों को याद रखना स्मृति कहलाता है, है। वुडवर्थ ने बोला है ठीक है फिर उसके बाद स्मृति से तात्पर्य अतीत की घटनाओं की कल्पना करना और तथ्य को पहचान लेना कि यह अतीत के अनुभव है मैकड्यूगल ने बोला है और सर्वप्रथम स्मृति पर प्रयोग किसने किया था तो एबिंग के द्वारा किया गया था सीखी हुई बात को स्मरण करना और पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मृति कहते हैं परिभाषा किसके द्वारा दी गई है मन के द्वारा दी गई है राइट अगला इलेवन नंबर का पॉइंट है व्यक्ति जब दुखद और अपमानजनक घटनाओं को याद नहीं करना चाहता है तो उसके ऊपर विस्मृति का कौन सा सिद्धांत यहाँ पर लागू होगा क्या चीज़ बोली गई है कि व्यक्ति जब कोई भी बुरी चीज़ें हैं या दुखद घटना है अपमानजनक घटना है उसे याद नहीं रखना चाहता है तो वो क्या कर सकता है उसका दमन कर सकता है रिग्रेशन कर सकता है बच्चा या व्यक्ति उन चीज़ों को भूलने की कोशिश कर सकता है तो आंसर आपका क्या हो जाएगा दमन का सिद्धांत जो है हम लोग क्या करते हैं हमारे सामने कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई जहाँ पर हमारा अपमान हुआ है या फिर कोई बुरी चीज़ें हैं यदि हम लोग उसे भूलना चाहते हैं तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं दमन कर सकते हैं उसको बार बार सोचना नहीं है उसको जस्ट भूल जाना है तो इस सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है दमन के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है अभ्यास की कमी किस चीज़ को जन्म देती है यदि बच्चा यहाँ पर अभ्यास नहीं करेगा तो वो विस्मृति बन जाएगी विस्मृति यानी कि बच्चा यहाँ पर चीज़ों को भूल जाएगा ठीक है इतना आगे हम लोग बात करते हैं पॉइंट नंबर थर्टीन की अगेन विस्मृति स्मृति वाला क्वेश्चन है यदि हम एक पार्ट को याद करने के बाद देखो अच्छे से समझना क्योंकि सारी ही चीज़ें हम लोग एग्जाम्पल से पढ़ रहे हैं यदि हम एक पार्ट को याद करने के बाद दूसरा पार्ट याद करने लगते हैं तो हमारे मस्तिष्क में पहले पार्ट की स्मृति चिन्हों में बाधा पड़ती है फलस्वरूप में निर्बल हो चले जाते हैं और हम पहले पार्ट को भूल जाते हैं विस्मृति के कारण ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो इस पर एप्लीकेबल है मान लो हम लोगों ने पढ़ा लेसन वन है ना फिर हम लोग पढ़ रहे हैं लेसन टू जब हम लोग लेसन टू पढ़ने लग गए तो हम लोग लेसन वन को क्या कर गए भूल गए तो ये कौन सा सिद्धांत है बाधा का सिद्धांत बाधा का सिद्धांत क्या बोलता है जब आप कोई भी नई चीज़ को लर्न करते हो सीखते हो तो पुरानी चीजें वहां पर आप भूलना स्टार्ट कर देते हो पहले चीजों को भूलना स्टार्ट कर देते हो यही होता है हमारे साथ नया नया पढ़ते जाते हैं हम लोग बोलते हैं ना आगे आगे पार्ट पीछे पीछे चीजें सपाट होती जा रही है तो वही चीजें यहाँ पर बाधा का सिद्धांत कहलाएगी ओके चलिए आगे पॉइंट नंबर फोर्टीन की हम लोग बात करेंगे गर्भावस्था से किशोरावस्था तक बालकों की वृद्धि एवं विकास का अध्ययन संबंधित है विकासात्मक विधि से गर्भावस्था से लेकर पूरा किशोरावस्था तक बालकों का अध्ययन किया जा रहा है तो इस विधि को किसके थ्रू किया जा सकता है विकासात्मक विधि यानी कि डेवलपमेंटल विधि के थ्रू हम लोग यहाँ पर अध्ययन कर सकते हैं अगला पॉइंट यहाँ पर आपके स्क्रीन पर है मानसिक उपचारों एवं बौद्धिक अवन्नति से संबंधित तथ्यों का अध्ययन करने वाली विधि को किस नाम से जाना जाता है हम लोग मानसिक विचार और बौद्धिक अवनति से संबंधित बिल्कुल फैक्ट वगैरह की यदि बात कर रहे हैं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे उपचारात्मक विधि क्योंकि हम लोग मानसिक उपचार कर रहे हैं और बच्चे की जो बौद्धिक अवन्नति हो गई है उससे संबंधित फैक्ट वगैरह को डिस्कस कर रहे हैं उसका अध्ययन कर रहे हैं उसका उपचार हम लोग कर रहे हैं तो उसे हम लोग उपचारात्मक विधि रिमेडियल मेथड के नाम से हम लोग यहाँ पर इसको जान सकते हैं देखो अगला प्रश्न काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है चलो इसका आंसर आपको देना है देखो पॉइंट नंबर फिफ्टीन क्या बोल रहा है गाय नाशवान है पक्षी नाशवान है मनुष्य नाशवान है अतः यह तर्क दिया जा सकता है कि सभी नाशवान है यह चीजें किसको शो करती है मतलब यहाँ पर आपको कुछ ऐसा दिया गया है कि गाय नाशवान है पक्षी भी नाशवान है मनुष्य भी नाशवान है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि व्यक्ति जो जो भी धरती पर है सभी नाशवान है यह तर्क किस चीज पर आधारित है आगमन विधि के ऊपर यानी इंडक्टिव मेथड के ऊपर निगमनात्मक तर्क के ऊपर क्योंकि तर्क देखो दो प्रकार के होते हैं आगमनात्मक तर्क होता है और निगमनात्मक तर्क होता है तो यह तर्क किस चीज को फॉलो कर रहा है किस से किसकी तरफ बढ़ रहा है यदि आपको इस तरीके से आंसर देना पड़े तो ये सबसे पहले आपको गाय नाशवान है पक्षी नाशवान है मनुष्य नाशवान है ये सब किसके बारे में तारे आगमन आगमन में आप क्या होता है सबसे पहले उदाहरण को पढ़ते हो आगमनात्मक तर्क से आप किधर जा रहे हो निगमन की तरफ जा रहे हो निगमन में आप क्या करते हो पहले आप नियम वगैरह को पढ़ लेते हो फिर आप उदाहरण देख लेते हो ये बात क्या होगी आगमन तर्क से आप जा रहे हैं निगमन तर्क की तरफ उदाहरण से आप जा रहे हैं नियमों की तरफ ठीक है आगमन तर्क से निगमन तर्क की तरफ जाना इसका जस्ट अपोजिट भी होता तो आप आसानी से आंसर कर सकते थे चलिए अगला है निगमन तर्क में सबसे पहले किस चीज़ को प्रस्तुत किया जाता है तो निगमन तर्क में सबसे पहले नियमों को प्रस्तुत किया जाता है उसके बाद उदाहरणों को यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है ये वाला पॉइंट भी आप ऐसे देख सकते हैं इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा ये सभी नाशवान है इसलिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि सभी नाशवान इसलिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये यह वाली चीज होनी थी कि पक्षी भी नाशवान है मनुष्य भी नाशवान है गाय भी नाशवान है तो ये चीजें किसको बताती है? ये चीजें फिर हमारी बताती निगमन से आगमनात्मक तर्क को अगर ऐसे पूछता कि सभी नाशवान इसलिए तर्क दिया जा सकता है कि पक्षी भी नाशवान है गाय भी नाशवान है पशु भी नाशवान है तो ये चीजें किसको बताए कि निगमन तर्क से आगमन तर्क को यहाँ पर बताएगी और डायरेक्टली सिर्फ यही चीजें दी हुई रहती कि सभी नाशवान है ये चीजें क्या है तो ये चीजें फैक्ट है ये चीजें फैक्ट है मतलब ये एक प्रकार का नियम है नियम है मतलब रूल है रूल है तो ये किसको फॉलो कर रहा है निगमनात्मक मेथड को फॉलो कर रहा है और इस तरीके से सिर्फ इतना सा दे देता है गाय नाशवान है पशी नाशवान है और मनुष्य नाशवान है यह चीजें क्या है तो ये एग्जाम्पल है तो ये किसको बता रहा है यहाँ पर आगमनात्मक तर्क को यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है क्लियर है इतना बस बिल्कुल बेसिक से पूछा गया था आगे उदाहरण है तो आप आगमनात्मक तर्क कर देंगे और पहले नियम बता रहे तो आप निगमनात्मक तर्क कर देना ओके चलिए आगे हम लोग यहाँ पर बढ़ रहे हैं शिक्षक को तर्क शक्ति के लिए छात्रों को विकसित करना चाहिए क्या क्या कर सकता है टीचर यहाँ पर इससे क्या होगा उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा उसकी क्रियाशीलता बढ़ेगी और उसके अंदर बढ़ेगा उत्साह तो बच्चे को हम लोग क्या कर सकते हैं तर्क शक्ति के लिए उत्साहित यहाँ पर कर सकते हैं अगले पॉइंट की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे एक शिक्षक के द्वारा बालक के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है इससे बालक में विकसित होता है वही सभी प्रश्नों का यदि टीचर उत्तर देता है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बच्चे काफी ज्यादा क्यूरियस होते हैं और बहुत अलग अलग तरीके के और काफी अनोखे प्रश्न यहाँ पर बच्चे पूछते हैं यदि टीचर सभी प्रश्नों का जवाब देता है इवन पेरेंट्स भी यदि सभी प्रश्नों का यहाँ पर जवाब देते हैं तो उनके अंदर विकसित होगा यहाँ पर तर्क शक्ति एक जो तर्क शक्ति का विकास बच्चों के अंदर यहाँ पर हो सकता है राइट right? अगले पॉइंट की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे पॉइंट नंबर आपकी स्क्रीन पर है शिक्षक द्वारा बालक के प्रश्नों का उत्तर ना देने पर बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा एक तो उत्तर दिया तो तर्क शक्ति का विकास होगा और अगर ऐसा नहीं करने पर बच्चा को प्रभावित होगा क्या क्या चीजें प्रभावित होगी उसका तार्किक विकास उसका शैक्षिक विकास और उसका मानसिक विकास यहाँ पर प्रभावित हो सकता है अगला है उपलब्धि परीक्षण का द्वितीय नाम क्या है उपलब्धि परीक्षण को हम लोग और किस नाम से जानते हैं निष्पत्ति परीक्षण अचीवमेंट टेस्ट के नाम से हम लोग इसको जान सकते हैं तो ये उपलब्धि परीक्षण का यहाँ पर द्वितीय नेम हो गया अगला पॉइंट है वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुणों के रूप में स्वीकार किया जाता है यदि हम लोग ऑब्जेक्टिव टेस्ट की बात करें ऑब्जेक्टिव टेस्ट यहाँ पर एक शॉर्ट में हम लोग आंसर दे सकते हैं वस्तुनिष्ठ परीक्षण जिसे हम लोग बोलते हैं यदि हम लोग इसके क्वालिटीज की बात करें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसकी वैलिडिटी होती है वैधता होती है रियलेबिलिटी विश्वसनीयता होती है और ऑब्जेक्टिविटी होती है तो ये वस्तुनिष्ठ परीक्षण के क्या हो गए गुण हो गए क्या क्या उसका वैद्य होना उसका विश्वसनीय रियलेबल होना और उसका ऑब्जेक्टिविटी होना उसके अंदर उसकी वस्तुनिष्ठता का होना राइट चलिए अगले प्रश्न की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे नेक्स्ट पॉइंट आपकी स्क्रीन पर है पॉइंट नंबर ट्वेंटी टू कक्षा का प्रमुख उद्देश्य किस स्तर के बालकों को शिक्षा को मुख्य धारा से जोड़ता है समावेशी कक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हो रही है किस प्रकार के बच्चों को मेन स्ट्रीम में लेकर आना है मुख्य धारा में लेकर आना है मंदबुद्धि बालकों को लेकर आना है विकलांग बालकों को लेकर आना है और किन को लेकर आना है वंचित बालकों को हमें यहाँ पर समावेशी शिक्षा के अंदर मेन स्ट्रीम से जोड़ना है मतलब सभी बालकों को एक साथ हमें यहाँ पर अध्ययन करवाना है राइट अगले पॉइंट की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं समावेशी शिक्षा में प्रमुख योगदान किस योजना का है यदि हम लोग समावेशी शिक्षा की बात करें तो कौन सबसे ज्यादा इसको सपोर्ट कर रहा है कौन सी योजना सर्व शिक्षा अभियान का समावेशी शिक्षा में बहुत ज्यादा योगदान है ठीक है ये अगला पॉइंट है समावेशी शिक्षा में किस प्रकार के बालकों की शैक्षिक आवश्यकता की पूर्ति की जाती है स्पेशली देखा जाता है जो विशिष्ट प्रकार के जो एक्सेप्शनल केसेस में आते हैं बच्चे उनके विशिष्ट आवश्यकताओं को यहाँ पर पूरा किया जाए और सामान्य बालकों के साथ उन्हें यहाँ पर अध्ययन करवाया जाए राइट चलिए अगले पॉइंट की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे वर्तमान समय में सभी बालकों को शिक्षा की मुख्य धारा से संबंध करने का श्रेय किसे जाता है समावेशी शिक्षा वो ही इंक्लूसिव एजुकेशन को ही जाता है क्योंकि सभी बच्चों को हमने यहाँ पर क्या कर दिया है मुख्य धारा मेन स्ट्रीम से यहाँ पर ऐड कर दिया है कोई अलग से स्कूल कोई ऐसी चीज़ें प्रोवाइड नहीं की जाएगी जो उन बच्चों को नॉर्मल बालकों से अलग फील करवाए ओके okay. अगला है स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है यह कथन किसने दिया है यह कथन देने वाले हमारे स्टाउट है आंसर okay. आपका क्या हो जाएगा आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मतलब ऑप्शन नहीं डायरेक्टली हम लोग वन लाइनर कर रहे हैं तो आंसर में आप लोग बताएंगे यहाँ पर स्टाउट के द्वारा ये डेफिनेशन दी गई है ओके okay? तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा स्मृति की परिभाषाओं को यहाँ पर याद रखना पड़ेगा चलिए थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा इसको रिवाइज भी कर लेते हैं अच्छा ये कथन किसने दिया है कि पूर्व समय में अगर हम लोग थोड़ा सा इस चीज को रिवाइज करें पूर्व समय में सीखी हुई बातों को याद करना पूर्व समय में सीखी हुई बातों को याद करना स्मृति है यह कथन देने वाले कौन है पहली पहली डेफिनेशन यह कथन देने वाले वुडवर्थ है ठीक है एक क्वेश्चन हम ऐसा भी कुछ पढ़ रहे थे कि विस्मृति को कम करने के उपाय क्या है विस्मृति को कैसे कम किया जा सकता है तो हाँ पुनरावृत्ति के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं स्मृति को कम कर सकते हैं एक परिभाषा और हम लोग देख रहे थे कि स्मृति से तात्पर्य अतीत की घटना का अनुभव करना पुरानी पास में जितनी भी चीजें हो गई ना उनको हम लोग क्या कर रहे हैं रिकॉल कर रहे हैं या फिर जस्ट देख रहे हैं अतीत की घटनाओं का अनुभव कर रहे हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं और यहाँ पर घटनाओं की कल्पना करना और उसे पहचान लेना है यह कथन किसने कहा था पूरा कथन मैं आपको सुना देती हूँ स्मृति से तात्पर्य अतीत की घटनाओं का कल्पना करना और इस तथ्य को पहचान लेना भी स्मृति ही है कि यह अतीत के अनुभव हैं यह कथन देने वाले कौन थे यह कथन देने वाले हमारे मैगड्यूगल थे ठीक है इस तरीके से हमने करा था अच्छा अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि अच्छी स्मृति में क्या क्या विशेषताएं होती है तो अच्छी स्थिति शीघ्र पुनः स्मरण में आ जाती है मतलब जल्दी से वो चीजें आपको याद रह जाती है अच्छे समय लंबे समय तक आप उसको स्टोर करके रख सकते हो और एग्जैक्ट एट अ टाइम वो लाइक फ्लैश बल्ब मेमोरी की तरह आपके माइंड में क्लिक हो जाती है ठीक है ओके okay, तो इस तरीके से कुछ स्मृति की परिभाषाओं को आज के सेशन में हम लोगों ने देखा है तो आज के सेशन को हम लोग यहीं ओवर करेंगे मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसी तरीके आगे हम लोग ये सेशन कंप्लीट करते रहेंगे थैंक यू फॉर वॉचिंग और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप मैसेज कर सकते हैं डबल आज सी का क्वीज़ रहेगा आपका वेबसाइट पर तो आप उस क्वीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं